है रे तू देखो ये क्या है ये क्या है क्या उठ के बैठो सिट अप क्या हो गया यार अरे ऐसे लद्दड़ की तरह आकर पड़ गए सुस्त रहते हो हमेशा <laughs> शादी के पहले ना जो तुम तुम्हें बचपना था मैं उसे बहुत मिस करती हूँ यार शादी के पहले मैं बच्चा था इमेच्योर था नाबालिग था अब मैं समझदार हूँ शादीशुदा शुदा हूँ एंड लाइफ साक्स मैन यू सक नहीं चाहिए मुझे मेच्योर विभू मुझे चाहिए मेरा इमेच्योर नाटी शरारती विभू <laughs> जो कभी मेरे घर पे प्लम्बर बन के आता था कभी इलेक्ट्रिशियन बन के आता था याद है <laughs> तो तुम तो भी आता हूँ तुम याद है विभू तुम कैसे मेरे घर में आते थे और मेरी घर की दीवारों पे लिख देते दे थे अनु वेट्स विभू <laughs> और मेरे डैडी उसको देखकर बहुत चिढ़ते थे लेकिन तुम बाज नहीं आते थे हा? और अगले दिन तुम फिर आकर लिख देते थे ससुर जी जल्दी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो नहीं तो आपकी बेटी को भगा कर ले जाऊंगा <laughs> पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर अरे हमें तो ये धंधा बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ इसमें कमाई भी बहुत ज्यादा है और हमें लगता है कि अगर एक बार ये धंधा शुरू हो गया ना गुप्ता जी तो फिर हमारे माथे पर जो कच्चे बनियान का दाग लगा है ना ये भी धुल जाएगा जी हाँ हाँ लेकिन एक समस्या है कि ये धंधा रात का धंधा है रात को जगना पड़ेगा लट्टू के भैया रात को कौन सा धंधा करने की बात कर रहे हैं <laughs> नहीं नहीं, नहीं 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 अरे अरे रात में जग लेंगे काहे नहीं जगेंगे जब हरे हरे नोट मिलेंगे तो काहे नहीं दिन में भी जग के काम कर लेंगे जी हाँ बिल्कुल तो हा, क, 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 कल दिन में मिलके बात करते हैं गुप्ता जी धन्यवाद आ, अरे <laughs> <laughs> तुम इतनी देर से क्या कर रही थी पगली अका। कि का बर्तन धो रहे थे फिर अम्मा जी से बात की फिर डैडू जी से भी बात की क्या कहा तुम्हारे डैडू ने आ कुछो नहीं वही बात करते वो कच्चा बनियान तुमको परेशान तो नहीं करता है ना कह लेने दो उन्हें जितना कच्चा बनियान कहना है बहुत जल्दी हम उनकी ये कच्चा बनियान बोलने की आदत दूर कर देंगे हां ओके सर फसबेक Osionfish. नया धंधा शुरू करने जा रहा हूँ पगली हाँ अभी अभी सुने आपको आप फोन पे बात कर रहे थे कि धंधा शुरू करने जा रहे हैं लेकिन वो रात को काहे शुरू कर रहे है धंधा है पगली वो धंधा ही ऐसा है जो सिर्फ रात को ही हो सकता है आ, ऐसा कौन सा धंधा है जो सिर्फ रात को ही हो सकता है आपको काला धंधा वंदा तो नहीं है कर रही पगली। काला धंधा नहीं है बहुत ही गोरा धंधा है और उसमें माल भी बहुत है आ, कौन सा धंधा है बताइए नहीं बताएंगे जब शुरू कर देंगे तब बताएंगे आ, तो उसके बाद कच्चा बनियान हमेशा के लिए भूल जाएंगे कच्चा बनियान पहनना नहीं भूलेंगे पगली <laughs> कच्चे बनियान का धंधा करना बंद कर देंगे <gasps> और फिर तुम्हारे डैडू के सामने छाती ठोक कर कहेंगे हिम्मत है तो हमें कच्चा बनियान बोल के दिखाओ हाँ लड़के भैया आपको कितनी खुशी हो रही है सो पेड ऑफ यू <laughs> वो पेड ऑफ यू नहीं प्राउड ऑफ यू होता मगले <laughs> सही पकड़े <बग़े> हैं <laughs> पूरी चिमरकली बिलैया चीज लिखी है विभू ने मेरे बारे में विभू यार। यार, कानपुर में ठंड पड़ रही है और तुम इतने कम कपड़े पहन के निकली हो बट लुकिंग नाइस ना इसलिए अच्छी लग रही हो अच्छा सुनो तुम इस तरह जा रही हो ना तुम दूध देती है ना डोल दू डोल देखो क्या लिखा है क्या लिखा है दीवार पे नौ लिखाया और क्या लिखा? नीचे देखो ओह, भूरी चिमरकली बिलैया <laughs> कोई तुम्हारे बारे में लिख गया मैं भूरी चिमरकली बिलैया हूं दिस इज आई लुक नौ लेकिन जिसने लिखा उसको लगा होगा कि तुम बुरी वॉट यू मीन मैं जिसने लिखा होगा मुझे पता है तुमने लिखा है oh, come on. I'm sorry, मैंने नहीं लिखा ये ना no. अच्छा huh? तुमने नहीं लिखा तो क्या मैंने लिखा है अपने बारे में ये सब मैंने लिखा है ये ऑफ कोर्स तुमने लिखा है <laughs> क्योंकि कल रात में मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने बचपन में लौट जाओ और तुम तुम अपने छिछोरेपन में लौट गए मैंने नहीं लिखा है यार मैंने नहीं लिखा है गुड मॉर्निंग भाभी जी क्या हुआ भाभी जी ऐसी क्या छिछोरगिरी कर दी भूती जी ने पूछिए मत जी। देखिए क्या लिखा है भूरी चिमरकली बेलिया <laughs> माफ कीजिएगा भाभी जी ये तो इन्होंने आप ही के बारे में लिख दिया ये क्या फपफून फैला रहे हैं यहां पे फपून हम नहीं फपून आपने फैलाई है भाभी जी के बारे में ऐसे आप शब्द लिखते हो आपको शर्म नहीं आई भूरी चिमरकली बिलैया माना कि भाभी जी भूरी है लेकिन चिमरकली नहीं है हाँ आंखें जरूर बिल्ली की तरह है ना क्या बोल रहे हैं आप किसने बोला आपको एनालाइज करने के लिए मुझे पता है कि मैं कौन हूं सॉरी भाभी जी लेकिन भाभी जी हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि ये आदमी आपके लायक नहीं है जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता वो आदमी साफ करो इसे क्लीन इट यही अल्फाज में लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारता हूं आप बड़ी इज्जत करते हैं भाभी जी सुबह से शाम तक उनसे आप चाकरी कराते हैं यू her लाइक अ सर्वेंट और सुबह से शाम तक एक एक नॉर्मल औरत को आप पगली 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 बोलते रहते हैं वो औरत पगली हो गई गॉन बॉलम <laughs> लेकिन हम अपनी पगली बीवी के बारे में दीवार पर ऐसे अपशब्द नहीं लिखते थू गुड हेल्प हेलो है क्या मनमोहन छिछोरे बोल रहे हैं अबे तेरा दिमाग फिर गया है क्या हमारा नाम मनमोहन छिचोरे ने मनमोहन तिवारी है समझा और बोला? नहीं तो नहीं, कौन था? हेलो क्या गुलफाम कली के मैनेजर बोल रहे हैं अबे किस गधे ने तुझे मेरा नंबर दिया है हम इस शहर के इज्जतार बिजनेसमैन हैं गुलफाम कली के मैनेजर का है होने लगे चल फोन रख यार ये पता नहीं कैसे कैसे लोग हमें फोन पर संपर्क कर रहे हैं। को समझ में नहीं आ रहा हेलो क्या क्या क्या, क्या गुलफाम कली के कौन है क, कौन है गुलफाम कली के हैं हाँ देख ये ये वाली गाली मत देना ये वाली गाली मत देना नहीं तो फोन में घुस के मारेंगे बता रहा है चुप अरे अरे इतना नाराज क्यों हो रहा है तुम लोगों को यही तो बोलते हैं ना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तुझे मैं मैनेजर बोल देता हूँ खुश अबे तू तू कौन बोल रहा है ऐसा बे? है बेटा तमीज के में के में बात कर <laughs> वरना हम वो हैं जो इस टाइप का तुझे अवैध धंधा करने के जुर्म में जेल भिजवा सकते हैं समझा तू अवैध <laughs> अवै धंधा कर रहे हैं हम अच्छा गुलफाम कली का प्रोग्राम करवाना कोई बहुत बड़ा इज्जत का काम है क्या अरे अरे हम कौन सा गुलफाम कली का प्रोग्राम करवा रहे भाई हाँ दिया और लड्डू के भैया रात में ही धंधा शुरू किए है ही धंधे का बात कर रहे थे वो सुन मोहल्ले में जो चाय की दुकान है ना उसकी दीवार पे तेरा नंबर लिखा था कि तू रातें रंगीन करवाता है गुलफाम कली का मैनेजर है तू देखिए देखिए भाई साहब आपको जरूर कौन गलत फहमी हुई है यह जरूर हमारा कौन दुश्मन है जिसने हमारे बारे में ऐसी घटिया बात फैलाई है भाभी जी के बारे में ऐसे आप शब्द लिखते हो आपको शर्म नहीं आई जी हाँ हा हम समझ गए किसने है जरा आप फोन रखिए पूरा एपिसोड देखिए जी पर